गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फिफ्थ. एक्सरसाइज 17B. गुरु बोरोड अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 4% फॉर 3 ईयर्स. इफ ही पेड 600 रुपीज एट इंटरेस्ट, फाइंड द सम ऑफ बोरोड बाई. प्रिंसिपल निकालना है हमें. तो देखिए, क्वेश्चन में हमें रेट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, इंटरेस्ट भी पता है. देखिए, 600 रुपीज इंटरेस्ट में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल. तो हम ये जानते हैं, प्रिंसिपल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे I इंटरेस्ट इंटू 100 अपान RT. तो I हमारा कितना है, 600 इंटू 100 अपान रेट कितना है 4, टाइम कितना है 3 ईयर्स. तो जो जो दिया गया है उसको लिख लिया. अब देखिए, 4 2 4 25 4 3 2 50, ये 5000 आ गया, 5000 रुपीज आ गया. ये क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ रहा था, यानी अमाउंट पूछ रहा था. तो हमारा जो मनी प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, हमारा 5000 था. इसी तरीके सेकंड आप खुद से करिएगा. रेट भी दिया गया है, देखिए टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है. सेम फार्मूला आप यूज करेंगे, पी इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपन आर इंटू टी. सेम फार्मूला आप थर्ड क्वेश्चन में भी यूज करेंगे. इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया है 1600, रेट भी दिया गया है. देखिए थर्ड नंबर में आपको करके दिखा दे रहा हूँ. देखिए, पी इक्वल्स टू होता आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी. तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है. प्रिंसिपल हमें दिया गया है कितना, सॉरी इंटरेस्ट कितना दिया गया, 1600 इंटू रेट कितना दिए, इंटू 100 अपान रेट कितना दिया गया है 8% इंटू टाइम कितना दिया गया है 5. देखिए टाइम 5 ईयर्स दिया गया है. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 520 × 8 = 16, 2 × 4 यानी 4000 रुपीज़ आ गया इसका प्रिंसिपल अमाउंट. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेट एट विच. तो रेट निकालने के लिए रेट एट विच इतना 2 ईयर्स सब कुछ दिया गया है हमें. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, रेट दिया गया है. रेट का फॉर्मूला होता है रेट इक्वल्स टू I into 100 अपान P into T. ये I हमें देखिए क्या दिया गया है, इंटरेस्ट हमारा है 126. यहाँ है हमारा 126.15 × 100 अपान रेट कितना दिया गया है, हमें रेट तो निकालना ही है. प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है, 420.50 × कितना हो गया 2 ईयर्स. टाइम हमारा 2 दिया गया है, देखिए टाइम ये है. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. देखिए ये हो जाएगा 126.15. देखिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म हुआ गया डेसिमल. ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 841.00, यानी ये ख़त्म हो जाएगा. ये 15 टाइम्स जाएगा 15% हो जाएगा. रेट हमारा क्या आ गया, 15%. बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा. 9 नंबर देखिए, कितने सालों में क्या होगा, कोई अमाउंट अपने अमाउंट का 3 टाइम्स हो जाएगा अगर उसका रेट 10% है तो पर एनम. टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें पता नहीं है. प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लेते 100 रुपीज़. और तो अगर रेट हमारा दिया गया है 10%, देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया 10% पर एनम. और हमें प्रिंसिपल अमाउंट अगर हो गया तो अमाउंट हमारा 3 टाइम्स हो जाए प्रिंसिपल का, यानी 300 हमारा अमाउंट हो जाए 300. तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया, इंटरेस्ट निकालते हैं हम A - P. ए हमारा 300 है माइनस 100, पी कितना है 100 है, यानी इंटरेस्ट हमें कितना मिले 200 का, 200 इंटरेस्ट मिले. तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
अब हमारे पास टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, आई इंटू 100 अपान पी आर। आई कितना है देखिए, आई हमारा 200 है, 100 इंटू 100 देखिए फॉर्मूले में ही है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। इंटू टाइम रेट कितना है, 10% का रेट है। देखिए 100 से 100 कट गया, 107, यानी टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 20 20 ईयर्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।